हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। फटाफट से रिप्लाई करो बेटा, क्या आपको भी मीडिया आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताओ। और क्या वीडियो क्लियर है, यस और नो? फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट को, जहां हमने अपनी लास्ट वाली क्लास को छोड़ा था। हम लोग अपने पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बेटा अपने पास में इंट्रो वाला पार्ट, डेफिनेशन वाला पार्ट कर रहे थे। एज यूजुअल मैंने कहा है आप लोगों को कि हम अभी अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे, बट हर क्लास के साथ साथ में आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, ध्यान रखना। तो लीजिए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कि लास्ट क्लास में क्या हो चुका है वो दिखा देता हूं आपको मैं। तो रेजोल्यूशन बैच की हमारी पहली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बेटा, आप याद करो, इसके इंट्रो वाले पार्ट के रिगार्डिंग, कि कब बना था, रिमेंबर, एनफोर्समेंट मतलब जनरल पब्लिक पर कब अप्लाई हुआ था, कहां कहां एप्लीकेबल है, कौन सा इसका इफेक्ट बनता है, ये हम बात कर चुके थे। हाँ जी सर, नहीं बेटा कंटिन्यू करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर हमने बात की थी, सुनो ध्यान से क्या बता चुका हूं, डेफिनेशन वाले पार्ट में फिर हमने स्टार्ट किया था। एग्जांपल पूछू क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन भी पूछता हूं उन लोगों से, तुम्हें आइडिया मिलना चाहिए। बताओ बेटा बताओ, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है प्रॉमिस को? बताओ, आंसर दो मुझे साथ साथ में, तैयारी भी। गुड, हाँ भावेश, गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है मेरे लाल प्रॉमिस को? टेल मी, प्रॉमिस पूछ रहा हूं मैं बेटा। सिर्फ सेक्शन टू नहीं, सेक्शन टू तो मेन सेक्शन है मेरे लाल। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा गया, एग्जाम में पूछता है ध्यान रखना, अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा गया तो आपको सब सेक्शन भी लिखना पड़ेगा। हिमांशु कह रहा सी है, हिमांशु दोबारा बोल रहा हूं, मैंने प्रोमिसर वर्ड यूज नहीं किया लाल, मैंने वर्ड यूज किया है प्रोमिस, मैंने वर्ड यूज किया है प्रोमिस। आप कहोगे हमने नोट्स में देखा, नोट्स में दिखा नहीं, लेकिन मैंने लिखवाया था ये पार्ट, याद करो। गलत जमील, नो, वेरी गुड भावेश, अब आंसर गाइस याद करो, एक्सेप्टेंस के साथ कॉमन वर्ड था प्रॉमिस। सेक्शन नंबर टू सबसेक्शन बी डिफाइन करता है प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों को। ओके, अब मिली क्लैरिटी, तो आइए बात करते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात, हम लोगों ने अपने सेक्शन वाले पार्ट के अंदर सीखा था, अब मैं उन्हीं सेक्शन को आगे बढ़ाने वाला हूं। कंसिडरेशन वाला पार्ट भी हमारा हो गया था, तो लीजिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हमारे पास में। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारे पास में? हमारा सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन डी तक तो हो गया था, आज बाकी बड़े डेफिनेशन भी हम लोग कर लेंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट भी चालू कर दूंगा। चले आओ बात करते हैं, चलो। और गारंटी है इससे एक पार्ट समझ में आएगा आप लोगों को आज की क्लास से, कि जिन बच्चों को ये दिक्कत ही आती है कि सर उन्हें डिफरेंस नहीं पता वॉइड वॉइडेबल वैलिड इनके बारे में, वो डिफरेंस आज आपका मैं क्लियर कर दूंगा हैंड टू हैंड गारंटी के साथ में। चलो स्टार्ट करें। ओके सर, लीजिए गाइस आगे आते हैं। अब आया नंबर किसका? सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन ई का। तो डी तक तो हो चुका था, रिकॉल करूं, सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन ए, सबसे पहले क्या होता है मेरे लाल? सर पहले तो ऑफर दोगे ना, ऑफर के बाद चप्पल मिलेगी। है सर, ऑफर चप्पल कैसे मिलती है भाई? कॉमन सी बात, मैंने किसी को प्रपोज किया है ना, आई वॉन्ट टू मैरी यू, क्या ये प्रपोजल है ना? तो प्रपोजल कहूं या ऑफर कहूं, बात तो समझ में आई हमारे पास में। तो वो समझना, ऑफर या प्रपोजल। नंबर टू, सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन बी किसके बारे में डिफाइन करता है? सर ये डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को। मैं रिकॉल कर रहा हूं पिछली वाली क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सेप्टेंस को। और यही सेक्शन मेरे लाल डिफाइन करता है प्रॉमिस को भी, यही सेक्शन प्रॉमिस को भी डिफाइन करता है। उसके बाद कौन सा सेक्शन? नंबर टू सब सेक्शन सी, हमने पढ़ लिया ये पूरा पार्ट, कौन सा था? ये था बेटा प्रोमिसर के रिगार्डिंग। तो मिक्सअप मत करना कि प्रोमिसर लिखा है यहाँ पे, प्रोमिसर को ही ऑफरर कहते हो, उसी को प्रपोजर कहते हो, याद आया? उसके बाद प्रोमिसर को और प्रोमिसी को, तो याद रखना पूरे के पूरे लॉ में आपको ये शब्द मिलेंगे, तो शब्द मत भूलना कि प्रोमिसर को ही, इसी का नाम है ऑफरर, इसी का नाम है ऑफरर, इसी को बोलते हैं प्रपोजर। तो भैया पर्सन एक ही नाम है उसके तीन, बोलते ना घर का नाम नहीं है तुम्हारा नाम है ना भाई, चिंटू मिंटू बिंटू क्या नाम है तुम्हारे घर के नाम है ना, तो हो तो तुम ही ना, वो वही नाम इनके भी है। सेम प्रोमिसी को क्या बोलते हैं? इसको प्रोमिसी के भी नाम है बेटा। इसके बाकी दो नाम कौन से हैं? लिखो कौन सा नाम है भाई। ऑफर का मतलब क्या बनेगा? इसको बोलते हैं ऑफरी, तो प्रोमिसी ही है ऑफरी, प्रोमिसी का ही नाम है, उसी को बोलते हैं ऑफरी लीगल लैंग्वेज में। प्रपोजर का उल्टा क्या बनेगा? एक्सेप्टर। तो ये तीनों नाम आपको इनके नाम के प्लेस पर मिल सकते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि प्रोमिसर लिखा तो ये आंसर करके आओगे, हमें तो कराया नहीं, ऐसा नहीं है मेरे लाल, समझना ध्यान से। तो सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन डी कौन सा था? सेक्शन नंबर टू और सब सेक्शन डी था कंसिडरेशन।
कंसीडरेशन याद आ गया। और कंसीडरेशन पे लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने कुछ बातें पूछी थी एडवांस में, तो मैंने बता भी दी हैंड ऑन आप लोगों को, ठीक है। अब आता हूं आगे, तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज सेक्शन नंबर 2 ए बी सी डी ई। ई में क्या आएगा लिखो मेरे लाल, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई। देखो सेक्शन 2 मेन सेक्शन है मेरे भाई, एक बड़ी काम की चीज सीखना, लॉ के अंदर आपके जब सेक्शन आप लोग पढ़ते हो, सेक्शन पढ़ते हो ना, तो सेक्शन मेन सेक्शन आता है। अब मेन सेक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब सेक्शन का पार्ट है, उन सब सेक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसे क्लोज बोलते हैं, उन क्लोजेस के जो अंदर लिखा गया है उन्हें बोलते हैं सब क्लोज। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो ये सीक्वेंस है, लेकिन आपके लेवल तक आपको सेक्शन और सब सेक्शन की कहानी ही पढ़नी है। मतलब मेनली जो क्लोजेस की बात है, क्लोज सब क्लोज की बात है, सर्कुलर की बात है, नोटिफिकेशन की बातें हैं, वो मैं आपको इंटर में पढ़ाऊंगा, वो इंटर में आती है हमारे पास में। तो अभी के पॉइंट से क्या आता है, अभी के पॉइंट से आपके पास आपको ये पढ़ना होता है। चले तो आइए बात करते हैं ई के बारे में। तो ई क्या है? ई है हमारा प्यारा प्यारा अग्रीमेंट। तो लीजिए गाइस, समझते हैं अग्रीमेंट की कहानी। और आज मैं तुम्हें एक इक्वेशन भी देने वाला हूं और मैं आज आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं। चले बात करें, लीजिए लीजिए लीजिए, समझो बात ध्यान से गाइस। अग्रीमेंट क्या होता है? तो नॉर्मली डेफिनेशन लिखी है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज टर्म्ड एज अग्रीमेंट। क्या बोला मैंने, क्या बोला? रट्टा मारोगे, रट्टा मारना मना मेरे भाई, लो पढ़ रहे हो, लो समझने की चीज है मेरे भाई, सुनना ध्यान से बात को। तो सेक्शन पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कह रहा सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई कहता है कि अग्रीमेंट क्या है। एक बात बताओ, आज ये चीज तुम्हें सीखनी बहुत जरूरी है अगर तुम अपने पूरे लोग को अपनी फिंगर टिप्स पे रखना चाहते हो तो। क्यों रहेगा उंगलियों के ऊपर? कैसे सर? जब भी अपने पास में बात आई अग्रीमेंट आया नहीं, तो पहले चेक करो अग्रीमेंट से पहले क्या क्या था भाई। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन था। तो मीनिंग क्या बना? मीनिंग पढ़ना, बोला एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, मतलब हर वो प्रॉमिस और प्रॉमिसेस का सेट, मतलब ग्रुप, जिससे क्या बना? कंसिडरेशन बना। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल भाई मेरे हाथ में क्या है, सुनना ध्यान से बात को, लिसन टू मी, बी प्रैक्टिकल इन दिस, लो समझाऊंगा और दिमाग में बिठा दूंगा, बस सुनते रहो ध्यान से। मेरे हाथ में कैलकुलेटर, अब एक कहानी शुरू कर रहा हूं, चेक करना तुम, चेक करना ऑफर क्या, एक्सेप्टेंस क्या, कंसिडरेशन क्या, ठीक है? ओके सुनना, मैंने बोला आई विल सेल दिस लैप दिस कैलकुलेटर टू यू फॉर ₹100। भाई आई वॉन्ट टू सेल दिस कैलसी टू यू फॉर ₹100। बताओ बेटा ये ऑफर है? हाँ सर ऑफर है। आपने बोला ओके सर हम खरीदने को तैयार है, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। तो चेक करो ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हारे मेरे ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्या बना? मैंने कहा कैलकुलेटर बेचूंगा, तुमने कहा ₹100 दोगे, तो ₹100 और कैलकुलेटर क्या बना? कंसिडरेशन बन गया। तो क्या इक्वेशन ये नहीं बनेगी क्या? बताना मुझे, क्या मैं इक्वेशन में लिख सकता हूं? लिख सकता कि भैया सिंपल सी बात, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ये तीनों मिलके बनता है अग्रीमेंट। बोलो हाँ या ना सर? लेकिन डेफिनेशन भी पढ़ा दो, देखो दिखाता हूं पढ़ने का लिखा हुआ है। कह रहा भैया एवरी प्रॉमिस, भाई एवरी प्रॉमिस क्या था? भाई मेरा प्रॉमिस, रिमेंबर, और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, मतलब हम दोनों के प्रॉमिस, दोनों के प्रॉमिस क्या था कि मैं कैलकुलेटर बेचूंगा और आप मुझे ₹100 दोगे। उससे क्या बना? फॉर्मिंग कंसिडरेशन। उसने क्या बनाया? कंसिडरेशन बनाया एक दूसरे के लिए, उसी को बोलते हैं अग्रीमेंट। तो याद रखना अग्रीमेंट तीन वर्ड से मिलकर बना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, क्योंकि हमारा ऑफर एक्सेप्टेंस ही वो है प्रॉमिस का पार्ट। रिमेंबर हमारा ही पार्ट क्या है? प्रॉमिस का पार्ट है, याद रहेगी बात। बोल क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड, सबने रिप्लाई कर भी दिया, बहुत बढ़िया सर। तो पॉइंट क्या आया, अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है मेरे भाई, हमेशा याद रखना अग्रीमेंट को। हालांकि मैं नाम देता हूं बेटी, हमने अपने लॉ के अंदर लीगल वर्ड्स को याद करने के लिए कुछ नाम यूज किए हैं, बहू बेटी, अच्छी बहू खराब बहू, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे नाम यूज किए ताकि एटलीस्ट बच्चों को क्लैरिटी अच्छी से अपने आप मिल जाए। रिमेंबर आगे आता हूं, बट याद रखना अग्रीमेंट को मैं बेटी बोलता हूं, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई कहता है भैया किसके बारे में? अग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट पे आता हूं, अगला कह रहा है बताओ सेक्शन नंबर 2 ई के बाद क्या आया? एफ आया। एफ ई के बाद क्या है? एफ आया। मैंने डेफिनेशन बुक के अंदर, जो पूरी बुक है उसमें मैंने डेफिनेशन एक सीक्वेंस में लिखा है। क्यों लिखा था? कि क्लैरिटी रहे कि ऐसा सेक्शन कैसे सीक्वेंस में चलते हैं हमारे पास में। अगला आया रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस है, प्रॉमिस ही हो गया, कंसीडरेशन हो गया, अग्रीमेंट हो गया, 5 हो गए। अब आया 6 के ऊपर, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है मेरे भाई? एक्चुअली रेसिप्रोकल प्रॉमिस कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन इसी का हिस्सा है मेरे भाई। किसका? ये डेफिनेशन इसी का हिस्सा है, बट सेक्शन का सीक्वेंस चेक करना। ई के क्या? एफ आया। किसको बोलते हैं रेसिप्रोकल?
नॉर्मल समझना, देखो लॉ में चीज सिखाता हूँ, पहले समझो फिर लॉ के प्रोविजन पढ़ो, दिस इज द बेस्ट पैटर्न टू लर्न लॉ, याद रखना, पहले समझो फिर उसके प्रोविजन पढ़ना, उससे पहले गलती मत करना। अब मुझे बात बताओ यार, जब हम दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस किया, सुनना ध्यान से बात को, हम लोगों ने आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस किया, तो एक बात बताओ, एक प्रॉमिस मैंने किया, हाँ सर किया किया किया, एक प्रॉमिस तुमने किया, हाँ ना तुमने भी किया, दिल दिया वो नहीं बोल रहा हूं मैं, एक प्रॉमिस मैंने किया, एक प्रॉमिस तुमने किया, तो कैन यू प्लीज टेल मी, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए और तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए क्या कहलाएगा, बोलो, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए और तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए क्या कहलाएगा, बोलेंगे रेसिप्रोकल, सर रेसिप्रोकल, अदला बदली कर रहे हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो डेफिनेशन क्या बनती है, बोलता भैया सिंपल सी बात, प्रॉमिसेस या कौन सी, दैट फॉर्म द कंसिडरेशन, एंड इन शॉर्ट एवरी प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, या बोलेंगे होल ऑफ द कंसिडरेशन, क्योंकि हम दोनों के प्रॉमिसेस मिलके ही क्या बने, हम दोनों के प्रॉमिसेस मिलके बना कंसिडरेशन, तो लोग कहता है मेरे भाई क्या बोलता है, कह रहा सर उन्हीं को बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, रिपीट कर रहा हूं, ए प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और होल ऑफ द कंसिडरेशन, सिंपल सी बात है ना यार, मेरा और तुम्हारा प्रॉमिस मिलके क्या बना था, कंसिडरेशन बनाया उसने, तो वही तो लिखा गया कि एक दूसरे के लिए जो प्रॉमिसेस हैं कौन से बोलेंगे, बोला इंडिविजुअली, उन प्रॉमिसेस को इंडिविजुअली अकेला अकेला क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली टर्म्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, बोलो याद रहेगी बात, क्लियर होगी, ओके सर क्लियर, आगे आता हूं, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ तक हो गया, अब आता हूं नंबर जी के ऊपर, अब आया नंबर जी के ऊपर, लेकिन जी वाली कहानी सुनाने से पहले लेट मी टेल यू, तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, आओ तुम्हें लो की लैंग्वेज को याद करना सिखाता हूं, चलो ताकि तुम्हें प्रोविजन भी याद हो जाए हैंड टू हैंड, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ए बी सी डी ई, रिमेंबर ई तक तो हो गया, ई बी हो गया सर, एफ बी तो हो गया, हाँ है ना, ई बी हो गया, सेक्शन नंबर टू सबसेक्शन एफ, क्या है मेरे लाल, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, अब मैं वो सिखाने वाला हूं जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा, मतलब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी के थ्रू ये सारे लीगल डेफिनेशन सिखाने वाला हूं, सुनो भाई लोगों, यहां कहानी में एक करेक्टर है, नाम है बेटी, इसको मैं बोलता हूं बेटी बहू कंसेप्ट, जिन बच्चों को लो याद नहीं भी होता उन्हें भी लो याद करवा दूंगा, गारंटी मेरी है, सुनते रहो ध्यान से, सर सुनो पहले कहानी सुनना, बट जो बेसिक बात पूछूं वो रिप्लाई कर देना, ठीक है, तो मेरा पहला करेक्टर है उसका नाम दे रहा हूं मैं बेटी, कौन है ये हमारी प्यारी बेटी, बेटी बेटी को मेरे नाम के याद करो, बेटी को मैं बोलता हूं अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट के बारे में कौन से सेक्शन में पढ़ा, रिप्लाई करना, अग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया मेरे भाई, सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन ई, याद आ गया, सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन ई, आगे आता हूं, अब बेटी और बहू की कहानी करता हूं, सुनना ध्यान से, तो मैंने बोला अग्रीमेंट है, मैंने बोला अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, सुनते रहना भाई ध्यान से, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बोलता हूं बहू, सुनना तुम लिख के मत आना लायक, सुन लो ध्यान से, टिक मत करके आना, अग्रीमेंट को मैंने नाम दिया बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को मैं नाम दे रहा हूं बहू, सुनना, पहला है बेटी दूसरी है बहू, और शादी बेटी की शादी करने वाले हैं, शादी को मैं नाम दे रहा हूं बेटा एनफोर्सिबल बाय लॉ, एनफोर्सिबल मतलब एप्लीकेबल बाय लॉ, परमिटेबल बाय लॉ, सर तीन नाम बोले आपने, हाँ बोले मैंने भाई, लॉ ने जिसे परमिशन दे दी, लॉ ने जिसे परमिशन दे दी, लॉ ने जिसे अप्लाई कर दिया उसे बोलते हैं एनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, तो मैंने तीन नाम यूज किए, अग्रीमेंट बेटी, शादी का मतलब एनफोर्सिबल बाय लॉ, बहू का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, फिर बात करूंगा अच्छी बहू उसकी बात की भी करूं, खराब बहू की बात भी करूंगा, तो पहला मुझे ये बताओ बेटा बेटी बहू कब बनती है, कॉमन सेंस इसको बिना देखे बताओ, नॉर्मली कोई बेटी बहू कब बनती है, सर सिंपल सी बात, रिप्लाई करना, एक बेटी बहू कब बनती है, सर सिंपल सी बात, जब बेटी की शादी कर दोगे बहू बन जाएगी, हाँ है ना, बताओ बताओ कि यही सच्चाई है, कि यही संसार का सच है, हाँ बताओ सत्य यही है, नहीं है भाई, बेटी बहू कब बनेगी, जब उसकी शादी हो जाएगी, तो बताओ मेरे नाम क्या यूज करना, कह रहा भाई बेटी बहू कब बनेगी, बोला सर सिंपल सी बात, अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, भाई बेटी की शादी हो जाएगी तो बहू बन जाएगी, तो वर्ड बताओ मेरे को, क्या मैं अगर इस कहानी से डेफिनेशन पढ़ना चाहूं तो क्या बनेगी, भाई बेटी मतलब अग्रीमेंट, शादी मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहू, तो अन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, और चेक कर लो बेटा यही डेफिनेशन तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की भी है,
रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं लॉ में मेरे भाई। दुनिया कहती है रट्टा मारो ना, क्यों मारो रट्टा? हर चीज समझ के पढ़नी होती है, हर चीज समझने पढ़नी होती है ना। अपने इजीनेस के लिए टीचर बोलता है अरे पढ़ लो रट्टा मार लो, क्यों रट्टा मारे हम लोग? तो सुनो बात ध्यान से, दिखाओ डेफिनेशन। सर हमें दिखाओ हम तब मानेंगे, आओ दिखाओ। प्लीज टेल मी गाइस, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है बताना, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? तुम्हारे सामने देखना ध्यान से क्या लिखा है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, कौन सा? An agreement which is enforceable by law is known as contract. तो खुद तुम्हारे आंखों के सामने है, बेटी जब उसकी शादी हो जाएगी क्या बन जाएगी? बहू बन जाएगी। बताओ बेटा बताओ, क्या तुम्हें डेफिनेशन रट्टा मारनी पड़ रही है? अपने आप याद हो गई, कॉमन सेंस। अभी और अभी ऐसी कहानी और पूछने वाला हूं आप लोगों से मैं। बताओ बेटा बताओ, क्या रट्टा मारना पड़ा है? क्या याद रहेगा नहीं रहेगा भाई? अग्रीमेंट जब एनफोर्स होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब सिंपल सी बात मुझे बताओ, मैंने तुम्हें जिस कैलकुलेटर को बेचने की बात अप्लाई करें, इसको अप्लाई भी करके देखते हैं तब समझ में आएगा। मैंने तुम्हें जिस कैलकुलेटर को बेचने की बात की थी 100 रुपए के अंदर, ऑफर दिया था। अब चेक करना था, अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करते हैं? सर ऑफर दिया, हाँ दिया। आपने क्या बोला? ओके एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। क्या बना? कंसिडरेशन हुआ, हाँ हुआ सर। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। तो इसका मतलब आपका मेरा क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। नाउ प्लीज टेल मी, क्या लॉ हमें इस अग्रीमेंट को बनाने के लिए परमिशन देगा? बताना, क्या यह अग्रीमेंट लॉ एनफोर्स करेगा? हाँ या ना? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? करेगा सर, करेगा। हाँ यस 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 करेगा। तो क्वेश्चन क्या निकला? An agreement, this agreement is enforceable by law. तो क्या बन गया मेरे लाल? बताओ, जिस agreement को law permission दे दे, law enforce कर दे, law apply कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं contract। क्या बोलेंगे? Contract। बोले याद रहेगी बात। तो वही है हमारा पूरा एक contract act। होता क्या है? रट्टा मारना मना करो आज के बाद, apply और करें। अच्छा अगला question पूछता हूँ, अगला प्रश्न मेरा, बताना मुझे। बताओ बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा, ठीक है बेटा। 5 लाख रुपए दूंगा, सुनना कहानी सुनना मेरी। 5 लाख रुपए दूंगा, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे एरिया में दंगे करने, लोगों के घरों में आग लगानी है, जो मिले उसको मारना पीटना है। सुनना ध्यान से बात को, क्या बात कर रहा हूँ? सच्ची मुझे सुन लो भाई, कहानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब दंगे करने के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, बताओ ऑफर आया नहीं है? बताओ बताओ, यहाँ आया ना? टेल मी, क्या ये ऑफर आया नहीं है? I will give you 5 lakh rupees किसके लिए? आप मोहल्ले में दंगे करके आओ, बताओ टेल मी। मर्डर करना किसी का, ऑफर आया नहीं है? चेक करो, ऑफर आया नहीं है? ऑफर है सर, ऑफर है, हाँ है। तुमने बोला ओके सर हो जाएगा, एक्सेप्टेंस आया नहीं है? एक्सेप्टेंस आया नहीं है, आज क्लैरिटी लो, सुनो ध्यान से, एक्सेप्टेंस आया नहीं है, है? तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब बताओ कंसिडरेशन आया नहीं है? बताओ हाँ है ना? कंसिडरेशन आया नहीं है? 5 लाख रुपए और दंगे करने की सर्विस, हाँ है ना? 5 लाख रुपए लोगों को पीटने की सर्विस, कंसिडरेशन है? तो चेक करना मेरे लाल, ऑफर भी है, बताओ है ना, माहौल भी है, बारिश भी है, म्यूजिक भी है, टेल मी बताओ, ऑफर है? हाँ सर ऑफर है। एक्सेप्टेंस भी हुआ? हाँ सर हुआ। देखो ऐसे चेक करना होता है मेरे भाई, अपकमिंग जितने भी सारे चैप्टर आएंगे उनमें सब में यही चेक करना होगा हमेशा में, और बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, इसे सिखा रहा हूँ, सीख लो। ऑफर है, चेक करो ऑफर है। एक्सेप्टेंस हुआ? हाँ हुआ। बताओ कंसिडरेशन है? हाँ हुआ सर। 5 लाख रुपए दंगे करना, तो बताओ बेटा जब ऑफर एक्सेप्टेंस दो तीनों चीजों आ गई, तो जहां तीनों आ गई क्या बोलते हैं? सर इन्हें हम बोलते हैं अग्रीमेंट। तो क्या तुम्हारा मेरा अग्रीमेंट बना नहीं बना? यहाँ पर दंगे करने के लिए अग्रीमेंट बना नहीं बना? हाँ बन गया सर, ये तो अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। अब बताओ लेकिन क्या इस अग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करेगा? बताओ क्या ये बेटी की शादी करने देगा लॉ? बताओ क्या इस बेटी की शादी होगी? क्या ये अग्रीमेंट को एनफोर्स किया जाएगा? अब जवाब दो। दंगे करने के लिए लोग बोलेगा हाँ हाँ दंगे तो बड़े आसान बात है, किसी को मारा पीटी करने तो बड़े मजे की बात है। नो 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 नो, सबने कहा नो सर नहीं। तो मतलब एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल। भाई एनफोर्स का मतलब था शादी होना, नॉट का मतलब क्या हुआ? जिसकी शादी नहीं हुई, मतलब जिसको परमिशन नहीं दी। तो क्या तुम उसे बहू बोलोगे? टेल मी बताना मुझे, टेल मी रिप्लाई करो। An agreement which is not enforceable, एक agreement, एक बेटी जिसकी शादी नहीं हुई, तो क्या बेटा उसे आप contract कहोगे? बताओ, जब बेटी को enforce ही नहीं किया गया, शादी नहीं हुई, तो बहू कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो यहां से क्या निकल गया सुनना? तो क्या बोलूंगा भाई, एनफोर्स का मतलब शादी, तो मैंने बोला एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल।
जिसकी शादी नहीं हुई, एनफोर्स मतलब शादी, नोट मतलब नहीं हुई, जिसमें शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने खुद बोला कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो बताओ उसे क्या नाम दोगे। बोला कि सर है तो वो बेटी की बेटी बट अब अच्छी बेटी नहीं है, तो मैं इसको नाम देता हूं बेटा क्या, जिसको लोन ने परमिशन नहीं देते उसे बोलते हैं वॉइड। वॉइड वर्ड का मीनिंग एक्चुअल में ये होता है और हर जगह अप्लाई होगा। शब्द वो सीखो जो पूरे लॉ में अप्लाई हो मेरे भाई। क्या बोलते हैं वॉइड, मतलब जिसे परमिशन ना दी जाए, जिसे एनफोर्स ना किया जाए। तो वॉइड क्या, वॉइड अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, टेल मी यहां पर मैं क्या बोलूं, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्या मैं उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा या अग्रीमेंट वर्ड यूज करूंगा, टेल मी। सर हम तो उसे वॉइड अग्रीमेंट ही कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, तो इसे नाम दिया मैंने कुंवारी, वो बेटी तो कुंवारी हो गई, कुंवारी रह गई, कुंवारी है ना कुंवारी रह गई। तो बताओ अब जो डेफिनेशन है अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज वॉइड अग्रीमेंट, क्या ये डेफिनेशन हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई है? चलो चेक करते हैं, ऐसा थोड़ी पढ़ा के मान लेंगे हम, ना ना हम तो सर देखते हैं, हम तो अपनी आंखों पे देखा एतबार करते। पढ़ो क्या लिखा हुआ है सर, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी, हियर इट इज, पिंकी बनाएंगे पिंकी। क्या लिखा है, An agreement which is not enforceable by law is known as void agreement. बताओ मेरे लाल क्या ये definition तो याद हो गई, हाँ या ना, tell me, हाँ या ना। एक बेटी जिसकी शादी नहीं हुई उसे कुंवारी कहोगे ना भाई, उसे कुंवारी कहोगे ना, तो definition याद हुई नहीं हुई। Agreement मतलब जिसका enforce नहीं किया गया, तो हमारे दंगे करने वाले agreement को law enforce नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा बताना मुझे सर, उसको बोलेंगे void agreement। तो क्या मैं एक एग्जांपल और दूं आप लोगों को, रिप्लाई करोगे मुझे बताओगे, तो प्रैक्टिस कर लो अभी की प्रैक्टिस कर लो, और जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा सुनो और बताता हूँ। बात बताओ मुझे बेटा, चोरी करके लेके आनी है, बताओ मेरे पड़ोस के घर में चोरी करनी है, जो चोरी करोगे उसका मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ऑफर है, चेक करो ऑफर है, हाँ है, एक्सेप्टेंस कर लिया तुमने, हम कर लेंगे चोरी सर, रात को जाएंगे है ना, पाइप से चढ़ जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसा नहीं, खिड़की से जाएंगे और चोरी करके ले आएंगे। अब आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया मेरे को, तो ऑफर था एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन है, हाँ है ना, चेक करो क्या कंसिडरेशन है, यस और नो, यस और नो, एग्जैक्टली सर कंसिडरेशन है, हिमांशु बहुत बड़े, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली कंसिडरेशन है, 2 लाख रुपए चोरी करने की सर्विस, तो अग्रीमेंट हो गया नहीं हो गया, बताओ। अब चेक करो क्या मेरा तुम्हारा, ऐसे चेक करना होता है लो में एग्जैक्टली, क्या मेरा तुम्हारा अग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, हो गया सर हो गया, बट क्या इस अग्रीमेंट को लो एनफोर्स करेगा? अब बताओ जो मेरा तुम्हारा अग्रीमेंट बना, क्या इसे वैलिड अग्रीमेंट कहोगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहोगे या वॉइड अग्रीमेंट कहोगे, ए बी सी डी बताओ, टेल मी, बताओ। ए ऑप्शन वैलिड है, वैलिड अग्रीमेंट, बी ऑप्शन वॉइड अग्रीमेंट, सी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, अब बताओ रिप्लाई, ए बी सी डी में क्या टिक करके आओगे, टेल मी टेल मी टेल मी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सर हम तो इसमें क्या करके आएंगे, वॉइड अग्रीमेंट मेरे भाई, हिमांशु ने लाइक सी कैसे होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बोला मैंने उसको, हाँ वेरी गुड, क्या बोला, समझ में आ गया मीनिंग, तो ये चेक करने का तरीका है मेरे भाई। लोग बच्चे रट्टा मारते, रट्टा मारने की चीज है ही नहीं, तो कैसे रट्टा मरवा दूं आप लोगों को, मैं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, आगे आते हैं, तो उन लोगों को बोल दो बेटा है ना जो कहते हैं कि लो रट्टा मार के पढ़ो, क्यों पढ़े रट्टा मार के, आओ अगले पॉइंट पे आता हूं। तो भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच तक मैंने कर लिया, अब आते हैं आगे, एच के बाद आया कौन सा, एच के बाद तो आई आता है, अब आई क्या है पढ़ना, आई है बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी थोड़ी कहानी समझाता हूं तुम लोगों को मैं, रट्टा मारना तो मना है वैसे भी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना, एफ तक तो हो गया था ना, अब आता हूं आई के बाद, तो मैं आई के पॉइंट पे आता हूं, दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन आई, जी जी क्या था, जी था वॉइड अग्रीमेंट, बोले याद करो, सेक्शन भी हैंड टू हैंड लिखते रहो, वॉइड अग्रीमेंट, जी के बाद क्या आया, एच, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन एच, यही वो हमारा पार्ट हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो चेक करो डेफिनेशन याद हो रही है तुम लोगों को, हो रही है सर। नेक्स्ट पे आया, एच के बाद क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, गाना गाओ लिखो, आई बनेगा कौन सा, ये बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर ये क्या होता है, आओ बात कर लीजिए, तो बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैं नाम देता हूं खराब बहू, मतलब क्या नाम देता हूं, खराब बहू, या पहले अच्छी फिर खराब, सुनो ध्यान से बात को, अब बहुओं के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, बहुओं के प्रकार,
कंसेप्ट क्या हमारे पास, ये पैटर्न सिखा रहा हूं, यहां डेफिनेशन चल रही है लीगल वाली, ठीक है। तो लीजिए गाइस, थोड़ी बात की जाए, अग्रीमेंट की बात हो गई, वॉइड अग्रीमेंट की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हो गई। ये पैटर्न मेरा बनाया पैटर्न है, तुम कहीं और पैटर्न मिलेगा भी नहीं वाला, सुनो ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहु, अब कॉन्ट्रैक्ट की टाइप पढ़ने मिलती है, हाँ ना, आपके पास भी चैप्टर टॉपिक आगे आ गया है तो टॉपिक मिलेगा ना उसके अंदर, भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आओ दिखाता हूं क्या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट में, पहली टाइप का नाम दिया मैंने कौन सा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं नाम देता हूं बेटा अच्छी बहू। क्या नाम देता हूं? अच्छी बहू। तो क्या मुझे कोई बताएगा समझदार इंसान कि अच्छी बहू की परिभाषा क्या होती है? व्हाट यू मीन बाय अच्छी बहू, किसको बोलते हैं? अच्छा दूसरा नंबर टू, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैं बोलता हूं बेटा कौन सी, खराब बहू। क्या बोलता हूं इसको मैं? इसको बोलता हूं मैं खराब बहू, खराब बहू। ये इसको नाम और देते हैं, इसको बोलता हूं पहले अच्छी फिर खराब। चलो इसे ना, पहले अच्छी थी फिर पता नहीं क्या हो गया उसको, फिर खराब हो गई। क्या बोल रहे हो सर, ऐसे लिखोगे? नहीं बेटा, ये तरीका है पढ़ाने का ताकि इससे आपको लीगल डेफिनेशन अपने आप याद हो जाए, याद करनी ना पड़े। थर्ड पढ़ेंगे हमारे पास कौन सा सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल को मैं नाम दे रहा हूं कौन सा, खराब बहू। इसको खराब बोल दो डायरेक्टली, चलो मतलब खराब बहू। अब बात सुनना यार, अब बात सुनना, बड़ी प्यारी बात सुनना। डेफिनेशन कौन सी पढ़ने वाले हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट कौन सी आएगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दो ही है अपने पास, ठीक है, सुनो ध्यान से यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली ये आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में, मतलब अगली क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे ना हमारे पास में कि असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो रट्टा मत मारो, पढ़ाओ, बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग अच्छी बहू किसे कहोगे? सर वो बहू जिसमें सारे, हाँ सब लिख भी दिया, सर वो बहू उसको हम अच्छी बहू कहेंगे। बोलो बता एग्जाम्पल के लिए, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बट ज्यादा कुछ नहीं है, रात को जब तक दो बोतल शराब की ना पी ले उसे नींद नहीं आती है, बहुत अच्छी बहू है। टेल मी, हमारी बहू बड़ी अच्छी है, बस कभी कभी सास को पीट देती है, बड़ा अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। क्या इसको तुम अच्छी बहू कहोगे? टेल मी, या बहू का मतलब क्या बोल, अच्छी बहू का मतलब क्या हुआ? बोला भैया अच्छी बहू मतलब ऐसी बहू जिसमें अच्छी बहू के सारे संस्कार हो। समझ में आया क्या? बोलो ये संस्कार है। टेल मी, अच्छी बहू मतलब क्या? एक ऐसी बहू जिसमें अच्छी बहू के सारे संस्कार विद्यमान हो, उसे हम अच्छी बहू कहते हैं। तो मैं यहां पर संस्कारों को नाम दे रहा हूं, असेंशियल एलिमेंट्स। सुनना, बताओ, तो बताओ क्या लिखूं? कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहू जिसमें क्या हो, जिसमें सारे अच्छे संस्कार हो। कौन से हो संस्कार? अच्छी बहू वाले। तो बताओ बेटा बताओ, इफ समवन आस्क यू द लीगल डेफिनेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट विल बी योर डेफिनेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो आंसर इज स्ट्रेट सर, क्या बोलेंगे? ए कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स ऑल दी असेंशियल एलिमेंट। क्या बोलूंगा? कौन सा? ऑल दी असेंशियल एलिमेंट्स को मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया? संस्कार। तो बताओ क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल ऑल दी असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और चेक कर लो, यही लीगल डेफिनेशन हमें पढ़ने को मिलती है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो हिंदी मीनिंग याद मत रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जो वैलिड का मतलब बोलते हैं अच्छा सर सही कॉन्ट्रैक्ट, खराब, ऐसे मत याद रखना मेरे भाई। जो लीगल डेफिनेशन हो उसी के अकॉर्डिंग इन्हें याद रखना, अदरवाइज तुम्हारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स के टॉपिक जो है ना वो सारे खराब हो जाएंगे। क्योंकि रीजन इज, वंस यू, आपके पास अगर आपने डेफिनेशन प्रॉपरली आपको नहीं आती होगी, आप उसे वैसे अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन के ऊपर, तो आपका आंसर गलत ही आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो वर्ड क्या निकला? A contract which fulfills all the essential condition of valid contract. क्या बोलेंगे? उसी को बोलते अच्छी बहू, बहू जिसमें सारे संस्कार हो, अच्छी बहू है। बोलो क्लियर हो गया? तो लेकिन अभी हमें इसको नहीं पढ़ना, ये हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी हमें पढ़ना इन दोनों डेफिनेशन के बारे में। तो अगला बताओ मुझे, तो सेक्शन नंबर टू और सब सेक्शन आई कहता रहा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता। आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूं, सुनोगे कहानी? सुना ध्यान से बात को। वॉइडेबल एक्चुअली कोई टाइप है ही नहीं। क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बोलते हो? नहीं, सुनना ध्यान से। और आई कैन गारंटी यू, आप लोगों ने जितने बच्चे भी हैं, ये पहले पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, हर बच्चे ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को गलत पढ़ा है। मैं मुझे बोल रहा हूं, क्योंकि रीजन इज, अगर आपको बुक्स के थ्रू पढ़ाया गया कि ये बुक में लिखा लाइन देख ये ऐसा हो गया, कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और आज मैं क्लैरिटी देने वाला हूं, सुनना ध्यान से बात को, प्लीज सुनना गाइस ध्यान से। सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन आई
कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, प्लीज सुनना ध्यान से बात को, और याद रखना ये पूरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अलग से एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फ्री कंसेंट, ये वहां पर पूरा यही चलेगा। तो डेफिनेशन हमारे सामने है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई। एक कहानी सुनो, रिप्लाई करना, बताना मुझे, ठीक है। तुम्हारा बहुत महंगे वाला फोन है ना, नोकिया वाला, ऐसा नहीं सर, सुनना। आपने एक आईफोन परचेज किया, नया 14 मैक्स प्रो, ठीक है। आप नया शॉप से आईफोन लेके निकले, मेरी नजर तुम्हारे आईफोन के ऊपर थी, सुनना क्या बोल रहा हूं, मेरी नजर, और हिमांशु मेरे साथ था, विवेक की बात करो, विवेक एक शॉप से, एक शोरूम से आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके निकला, नया खरीद के लेके आया था। मेरी और हिमांशु की नजर विवेक के ऊपर थी, हमने उसका पीछा किया, हमने उसका पीछा किया, और जैसे वो एक सुनसान गली में पहुंचा, हमने उसे रोक लिया। अब हुआ क्या, इतनी देर रोका ही था कि हिमांशु ने अपनी पीछे से गन निकाली, ऐसे करके ठाम वाली है ना, हिमांशु ने गन निकाली और गन लगा दी विवेक के ऊपर, और क्या बोल रहा है हिमांशु, कह रहा है कि देख भाई बात सुन, हमें तेरा ये फोन तुझसे खरीदना है। कहानी सुना क्या बोल रहा हूं, कितने का लाया, बोला भैया मैं तो 1.5 लाख रुपए का लेके आया, बोला भाई देख बात सुन, 20,000 रुपए दूंगा, फोन हमारा। बोला कैसी बातें कर रहे हो, मतलब सुना ध्यान से बात कर रहा, हिमांशु ने विवेक को ऑफर दिया, टैग करना ऑफर एक्सेप्टेंस, हिमांशु ने विवेक को ऑफर दिया दैट ही वांट्स टू बाय दैट आईफोन 14 प्रो मैक्स फॉर ₹20,000, ऑफर दिया। क्या हुआ अब यहां पर, विवेक कल पागल हो गए, 1.5 लाख का फोन लेके आए, कैसे दूं तुमको मैं पैसा। अब सुनना क्या हुआ, इतनी देर थी कि मैंने भी गन निकाल ली और लगा दी, बोले जान से मार देंगे, या तो फोन हमें को बेच वरना तुझे जान से मार देंगे। अब सुना, रिप्लाई करना मुझे, डर के मारे गोली हवा में चलाई, लेकिन डर गया विवेक, और विवेक ने गलती से क्या किया, डर के घबरा के वो फोन हमको दे दिया। अगर तुम्हें याद ना हो तो चेक कर लेना पुरानी बॉलीवुड पिक्चर्स, जहां पर किसी हीरो के बच्चों किडनैप कर लिया करते थे और बोलते थे तुम्हारे बच्चे के बोटी बोटी कर देंगे अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी इतने की नहीं बेची तो। फ्री में नहीं खरीदते भाई लोग, इसे लो पता है वो फ्री में खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि फ्री का मतलब कंसिडरेशन है ही नहीं, कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो लो समझना। यहां पर भी हिमांशु पढ़ा लिखा बच्चा था, उसने बोला भैया सिंपल सी बात, पैसा दूंगा 20,000 रुपए, फ्री में कुछ नहीं है, और डर के मारे विवेक ने वो फोन उसको बेच दिया, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। तो ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, और कंसिडरेशन भी है, तो बताओ अग्रीमेंट हो गया नहीं हो गया, बोलो हाँ है ना, क्या ये अग्रीमेंट हो गया नहीं हो गया, सर अग्रीमेंट भी हो गया, ये तो अग्रीमेंट भी हो गया। तो बताओ मुझे, क्या कोर्ट को सपने आ रहे हैं क्या कि जो फोन परचेज किया गया वो डरा धमका के किया गया, आंसर इज नो। भाई कोर्ट को थोड़ी पता है अभी तक कि फोन किसी के पास, हिमांशु के पास जो फोन है वो उसने विवेक को जान से मारने की धमकी देके लिया है, परचेज किया है, नहीं पता ना, बट सोचो अब सुना कहानी। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन क्या बन गया, बन गया अग्रीमेंट, बट मुझे बताओ कि अग्रीमेंट एनफोर्स है, अभी बताओ, अभी किसी को पता नहीं है, ना कोर्ट को पता ना पुलिस को पता, मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट अभी तक, क्या इस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया या नहीं बन गया, अन अग्रीमेंट एनफोर्स तो हो ही गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया हमारे बीच में, तो लो क्या बोलता है, एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, क्या लिखा पढ़ना, अन अग्रीमेंट, क्या बोलूंगा पढ़ना, रीडिंग करो, लीगल लैंग्वेज पढ़ो, अन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बना हमारे बीच में, हाँ, व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन, बोलता है चॉइस को, शब्दों आगे में ध्यान रखना, ऑप्शन बोले तो चॉइस ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, ये पार्टी कौन है, ये मैं और हिमांशु है भाई, जिसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जिसने किसी को डराया धमकाया, तो एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द चॉइस ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन, सुनना ध्यान से, बट हुआ क्या बेटा, हुआ ये हिमांशु, विवेक, जो विवेक था, विवेक को 2 दिन बाद ख्याल आया कि क्यों ना मैं पुलिस के पास चला जाऊं, क्यों ना मैं कोर्ट में चला जाऊं, और विवेक भागता हुआ पहुंचा कोर्ट में, बोला जज साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, जज साहब मुझे बचा लो, बोला क्या हुआ भाई क्यों चिल्ला रहा है, आराम से बैठ के बता रहे क्या बोल रहा है, बोला मेरे को विवेक आया था, हिमांशु आया था, नितिन सर आए थे, दोनों ने गन दिखा के मेरा फोन जो मैंने 1.5 लाख का लिया था सर 20,000 में ले लिया, डरा धमका के लिया, तो इसे बोलते हैं नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी,
यहाँ पर विवेक को नाम दिया लोगों ने, क्या नाम दिया? अग्रीव्ड पार्टी, जिसे मैं बोलता हूँ दुखियारी आत्मा, मतलब जिसके जिसको डराया गया, धमकाया गया। वहां मुझे बताओ, पढ़ना ध्यान से बात को, अन अग्रीमेंट, बेटा अभी डेफिनेशन पे आओ, चैप्टर में नहीं आ रहा मैं। अन अग्रीमेंट एंड नो एनफोर्सिएबल, बताओ ना, ये अग्रीमेंट एनफोर्स तो हो गया था, मतलब अग्रीमेंट एनफोर्स हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था। अग्रीमेंट एनफोर्सिबल क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बन गया था। बट किसके लिए बना? ये बना मेरी और हिमांशु की चॉइस पर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। यहाँ पर अदर मतलब कौन है? विवेक है बेटा, अग्रीड पार्टी, जिसको नुकसान हुआ, जिसको डराया गया। तो लोग कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या तुम इसको ऐसे याद रखोगी? डेफिनेशन तो समझ में आ गई और तुमने ऐसे पढ़ाई जाती तुमको, बट क्या रियलिटी में एक्चुअल डेफिनेशन यही वाली है बेटा? बताओ क्या रियलिटी में एक्चुअल डेफिनेशन यही वाली है? नहीं। सुनो ध्यान से, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कोई डेफिनेशन है ही नहीं। वॉइडेबल का मीनिंग क्या होता है? जब तक कोर्ट, अब सुना कहानी, विवेक जब अपनी कहानी को कोर्ट में बताएगा, लो समझो भाई लोगों, वरना बहुत बड़ी दिक्कत है पूरे इंडिया के अंदर। मैं चेक करता हूँ, लो समझाया नहीं जाता, लो पढ़ाया जाता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? लो समझोगे नहीं तो कभी लो से मोहब्बत होगी ही नहीं मेरे भाई। इसलिए लो से मोहब्बत करनी सीखो, है ना, पहला पहला प्यार है ना, समझो ध्यान से बात को। तो बात सुनने क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर मेरी पूरी कहानी में डेफिनेशन तो मैंने रीडिंग कर दी आप लोगों के लिए, बट क्लैरिटी क्या मिली? क्लैरिटी तो मिली नहीं। अब क्लैरिटी लेके चलो, जब मैंने और हिमांशु ने डराया, ऑफर दिया डरा धमका के, उसने डर के मारे एक्सेप्टेंस दिया, कंसिडरेशन था, अग्रीमेंट बन गया, कोर्ट को पता है नहीं पता, क्योंकि वो अभी तक कुछ नहीं बताया नहीं किसी को। तो जब तक विवेक कोर्ट में नहीं पहुंचा, उसने अपनी आत बीती नहीं बताई कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तब तक कोर्ट को पता भी नहीं है। तो बात सुनना, जैसे लिखा ना, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, इसका मतलब होता है बेटा जब दूसरी पार्टी कोर्ट में पहुंचेगी, तो याद रखना हमेशा इस देश के अंदर जब भी कोई नुकसान वाली पार्टी कोर्ट में पहुंचेगी, कोर्ट उसकी बात सुनने के बाद उसे ऑप्शन देता है। सुनने क्या बोल रहा हूं, उसे ऑप्शन देता है कि अच्छा तू रो मत। क्या ऑप्शन देता पता है? ऑप्शन देता है दैट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है। क्या बोलता हूं? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो, मतलब रिसाइन, RESIND, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो? लोकी साइड से, सुनना मेरे भाई, लोकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से अग्रीड पार्टी को दिया जाने वाला ऑप्शन, कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ ऐसे बनाया गया, तुम उसे कंटिन्यू या कैंसिल कर सकते हो। इस ऑप्शन का मिलना ही कॉन्ट्रैक्ट का वॉइडेबल होना कहलाता है। कभी ध्यान से वर्ड पढ़ना, वॉइड एबल का मतलब होता है वॉइड होने लायक, वॉइड एबल दैट इज कॉल्ड वॉइड होने लायक, वॉइड बन सकता है नहीं था भाई। जब क्योंकि सिंपल सी बात, अगर विवेक कोर्ट में गया ही नहीं, विवेक पुलिस के पास गया ही नहीं, तो सोच के देखो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल होगा? बताओ है ना, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल होगा? कभी नहीं होगा। वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली विवेक बेटा, वो पढ़ाऊंगा, कंसेंट वाला पार्ट आगे आएगा चैप्टर हमारे पास है, उसी का पार्ट है, बट लिखवाने वाला हूं, टेंशन मत ले। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं? तो ऑलवेज रिमेंबर, वॉइडेबल बना बेटा, वॉइडेबल मतलब सिंपल सी बात, कोर्ट ऑप्शन देगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वरना वॉइडेबल हो ही नहीं सकता भाई। वॉइडेबल इज नॉट ए कैटेगरी, इज ए पार्ट विच इज प्रोवाइड बाय द कोर्ट साइड, कोर्ट ऑप्शन देगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। बोलो क्लियर हुआ? अब इसके लिए क्या लिखवा रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई कहता है वॉइडेबल के बारे में, जिसे मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया? खराब बहू। खराब बहू क्यों भैया? सिंपल सी बात, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। अब बात बताना, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है लॉ के अंदर? क्वेश्चन आया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होगा? तो सुनो बात ध्यान से, 5 केस हैं बेटा 5 केसेस, देयर आर 5 केसेस जिसमें पूरे लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन सकता है। केस भी डिफाइन है, 5 केसेस हैं। पहला केस है बेटा कोएर्सन, COERCION। बोला भाई, आप सुनना ध्यान से बात को, अब तुम चेक करो, जब भी किसी से एक्सेप्टेंस लोगे, जब भी किसी का कंसेंट लोगे, सहमति लोगे, तो अगर आपने सहमति कोएर्सन मतलब होता है डरा धमका के ली, आपने सहमति ली अनड्यू इन्फ्लुएंस से, प्रेशराइज करके ली, रिमेंबर अभी मैं इनके डिटेल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली इनके चैप्टर आएगा अलग से, कौन सा? फ्री कंसेंट। दिस चैप्टर नेम फ्री कंसेंट, वहां पर पूरे चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, पूरा पार्टी में, ठीक है, ये पूरा पार्ट वहां पढ़ाने वाला हूं। कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दूसरी था कौन सा है?
फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंट करके, अपने मीनिंग अपने पास रखना मेरे भाई, लीगल डेफिनेशन डिफरेंट है ध्यान रखना। और कौन सा? मिस्टेक। देयर आर फाइव केसेस गाइस, कोएर्शन अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। लोग कहता है देश के अंदर, इस देश के अंदर अगर इन पांचों में से कोई भी यूज करके, इन पांचों में से किसी को भी यूज करके अगर किसी की सहमति ली गई है, किसी का कंसेंट लिया गया है, किसी की एक्सेप्टेंस ली गई है, तो वहां पर जिसका सहमति लिया गया, कंसेंट लिया गया, उसे हम कहेंगे अग्रीड पार्टी। और अगर वो कोर्ट में पहुंचती है तो एज पर सेक्शन नंबर 19, क्योंकि याद रखना सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 और 20 सेक्शन के, 15, 16, 17, 18, 20, तो बेटा सुनना ध्यान से। तो सेक्शन नंबर 19 क्या है? 19 ये पढ़ेंगे हम लोग अपने पास चैप्टर के अंदर कि जब ऐसा होगा तो अग्रीड पार्टी को हमेशा कोर्ट ऑप्शन देगा कॉन्ट्रैक्ट को वोल्डेबल बनाने का। तो इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं कहलाया, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया? खराब कॉन्ट्रैक्ट। खराब मतलब याद रखना ये पांच ही केस है जिन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल पार्ट के अंदर अपने पास में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि वोल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। बोलो क्लियर हो गई डेफिनेशन? क्या तुम्हें डेफिनेशन याद हो गई? हाँ है ना? ओके सर, आगे आते हैं। अगला है सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन आई के बाद आया जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना? तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जे क्या है बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड को मैंने क्या नाम दिया? इस वॉइड को मैं क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? पहले अच्छी फिर खराब। इस बहू का नाम है बेटा पहले अच्छी फिर खराब। अच्छा एक बात बताना यार, क्या जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चिल्ला रहा हूं यहां पर तो मैं अग्रीमेंट वर्ड यूज कर लूं यहां पर? बताना मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पर अग्रीमेंट वर्ड यूज कर लूं? मेरा मन कर रहा है अग्रीमेंट लिखूंगा मैं तो, मेरा मन कर रहा है, टिक करके आऊं अग्रीमेंट। बताओ बताओ बताओ। हाँ जी एग्जैक्टली बेटा, यस। नहीं 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 नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट लिखा था बेटी कहलाएगी सर, और बेटी कहानी अलग चलती है, रिमेंबर। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। तो अगला आया सेक्शन नंबर 2, ये रहा सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन आई, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन जे क्या है बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक कहानी सुनाऊं? दुख भरी कहानी है मेरी, सुनोगे ध्यान से? दुख भरी कहानी है बेटा। बहुत मोहब्बत करता था मैं छुई मुई से, बहुत मोहब्बत करता, दिलो जान से प्यार करता था मैं छुई मुई को, छुई मुई, हाँ छुई मुई मेरा पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार था, है ना? पहली पहली बार था बेटा, सुनो। छुई मुई से बहुत प्यार करता था, छुई मुई को मैंने प्रॉमिस किया कि छुई मुई, अब सुनना ध्यान से, छुई मुई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इस दुनिया वालों के सामने मैं तुम्हें अपना प्यार का इजहार करूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं छुई मुई को प्रॉमिस ऑफर दिया, छुई मुई मेरी बात पक्की हुई, छुई मुई ने बोला एक्सेप्टन, डन हो गया भैया। छुई मुई ने कहा हम इस महीने की 29 फरवरी को, 29th of February को हम शादी करेंगे, है ना? 4 साल में एक बार आएगी शादी। 29 फरवरी को, 29th of February को छुई मुई और मेरी शादी होने वाली थी मेरे भाई, सुनना ध्यान से बात को। अब हुआ क्या, हमारा मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बल्ले बल्ले नाचो बेटा नाचो, सुनो ध्यान से बात को। तो एक बात बताओ, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ, हमारे बीच में मैरिज अग्रीमेंट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है। तो छुई मुई मेरी शादी होने वाली थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ है। अब मुझे बताओ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। प्लीज कहानी सुनो ध्यान से बेटा मेरी पहले, पर शादी से 2 दिन पहले ही छुई मुई चल बसी, वो दुनिया छोड़ के चली गई, निकल ली अकेले अकेले, छुई मुई मर गई बेटा, मर गई। मैं बहुत रोया। अब मुझे बताओ, छुई मुई मर गई शादी के 2 दिन पहले, अब मैं जिद करके बैठा हूं, नहीं भैया जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पूरा करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, अब उसको पूरा करो, अब तो करना पड़ेगा इसको भाई, जब जब लेके आओ छुई मुई कहीं से भी, नाउ प्लीज आरआईपी छुई मुई ना लाया करें वांशु, टेल मी, मुझे बताओ बताओ क्या अब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट डेथ होने के केस में पूरा हो पाएगा? क्वेश्चन मेरा ये बताना मुझे, पहला क्वेश्चन, कि डेथ होने के बाद में अब मैं जिद करके बैठा हूं शादी करूं तो छुई मुई से करूं वरना ना करूं, वरना कुंवारा मर जाऊंगा गाना गा रहा हूं मैं, बताओ टेल मी। नहीं सर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। केस नंबर 2 सुनो, सोचो एग्जांपल के लिए छुई मुई नहीं मरी होती और मैंने अपनी शादी में, एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, छुई मुई मेरी शादी होने वाली है और यहां पर मैंने अपनी शादी के लिए, अपनी शादी के लिए क्या किया, एक सिंगर को बुलाया था कि वो सिंगर आएगा वो गाना गाएगा तब मैं फेरे लूंगा, तब मैं वरमाला डालूंगा। तो बताओ सिंगर से बात हुई थी, 5 लाख रुपए सिंगर को देने थे मुझे, वो सिंगर आएगा परफॉर्म करेगा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, सिंगर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, जिस दिन उसे गाना गाना था, उस दिन नहीं आया। बात बताओ,
जिस तरह छुई मुई कर मरने से पहले और सिंगर के एक्सीडेंट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बताना मुझे, क्या कॉन्ट्रैक्ट को लो एनफोर्स करेगा बताना? इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट मैटर, इन केस ऑफ चेंज इन लॉ, ऐसे किसी केस के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है बट बाद में क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से लो अलाउ करेगा? हाँ है ना, बोलो बोलो बोलो, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, इट वॉइड, वेरी गुड। अब एक जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को। क्या तुम्हें कोविड-19 याद है? किसको याद नहीं है, कोरोना सबको याद है। याद करो बेटा 2020 के अंदर जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था तो जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम, जितने सारे ट्रांसपोर्ट थे, ट्रांसपोर्ट ट्रक वगैरह थे, सामान था, वो जहां पे था वहीं पर रोक दिया गया था। याद आया? वो जहां पे था वहां पर रोक दिया गया था। तो कोविड के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना, एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूँ दिल्ली में बैठा हूं, मैं दिल्ली में, तो मैं वेट कर रहा हूँ दिल्ली में सामान आया कश्मीर से, सुनना ध्यान से बात को। मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जनवरी के अंदर, जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कश्मीर के एक ट्रेडर के साथ में, एग्जाम्पल दू, समझना ध्यान से बात को। देखो चीजें सीखो, एग्जाम्पल मिलेंगे, समझ में आई चीजें हमारे पास में, सुनना ध्यान से। मैं था दिल्ली में, क्वेश्चन नंबर टू, मैं था दिल्ली में, मैंने कश्मीर के एक ट्रेडर से, जम्मू के ट्रेडर से एग्जाम्पल क्या किया था, मैंने कश्मीर के व्यापारी से एक करीबन 100 kg एप्पल मंगवाए थे, 100 kg एप्पल मंगवाए थे। उसने कहा था भैया मैं मार्च 25 मार्च के बाद एप्पल भेज दूंगा, सुनना क्या बोल रहा हूं, उसने कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा 25 मार्च को, जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और बाद में 25 मार्च को वो मुझे एप्पल भेजेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या बताना मुझे, टेल मी, ऑफर है, एक्सेप्टेंस सब कुछ है, जवाब दो मुझे, क्या वो मुझे अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है 25 मार्च से पहले तक कॉन्ट्रैक्ट क्या था बेटा? सर वैलिड था, ठीक है, बट हुआ क्या? अब सुनना ध्यान से बात को भाई, एप्पल भेजा वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। अब बताओ अच्छी बहू तो है, कब तक? जब तक वो खराब नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, बाद में 22 मार्च को करीबन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के बाद गवर्नमेंट ने बोला भैया सॉरी अब से पूरे देश में होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन बेटा किसका हिस्सा पता है? इसका मतलब चेंज इन लॉ, कानून में बदलाव लाना। गवर्नमेंट लॉ में चेंज ले आई, गवर्नमेंट लॉ में चेंज ले आई, जिसकी वजह से अब पूरे देश के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट काम नहीं करेगा, कोई भी सामान यहां से वहां नहीं मिलेगा। अब नाउ प्लीज टेल मी, कश्मीर वाला व्यापारी कह रहा है सॉरी भाई साहब मैं आपको एप्पल नहीं भेज पाऊंगा, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया। अब मुझे बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, मतलब जो बहू पहले अच्छी थी, अब लॉ में चेंज आने की वजह से वो अब पूरा नहीं हो पा रहा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या मैं बोलूं भाई भेजना पड़ेगा? बताओ हाँ है ना, या लो मेरे कहने पर कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देगा? टेल मी, बताना मुझे क्या लो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाएगा, यस और नो? कि कोई बात नहीं है भैया पूरा देश बंद रहेगा बस इसके एप्पल जाएंगे दिल्ली, बताओ चलो, टेल मी, इसके एप्पल कोई रोकेगा? ऐसा कुछ होगा? नो 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 नो, एग्जैक्टली सर नहीं होगा। तो लो ने क्या बोला, मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए और तीनों एग्जाम्पल किसके थे बेटा? दैट बिलोंग्स टू द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, बिलोंग्स टू द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, विच मीन्स, सुनना ध्यान से बेटा, जिन बच्चों ने डेफिनेशन सीख लिया ध्यान रखना, वो पूरे एक्ट में कोई दिक्कत इनको जिंदगी में नहीं आने वाली। क्या बोला पढ़ना, सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन जे क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। बेटा सीज का मीनिंग होता है स्टॉप, ए कॉन्ट्रैक्ट जिसे रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। और एक शब्द और लिख लो तुम्हारी क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूं, सीज को ही बोलते हैं नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, रोक देना, मना कर देना, फॉरबिडन बोलते हैं, फॉरबिडन बाय लॉ, सीज टू बी एनफोर्सिबल लॉ, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो अब नहीं हो पाएगा, लॉ परमिशन नहीं देगा, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट सोचो ना यार, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में मना किया गया। बोलो क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, वॉइड अग्रीमेंट क्या था, एक अग्रीमेंट जिसको लोगों ने अनफोर्स किया ही नहीं, परमिशन दी ही नहीं, वॉइड अग्रीमेंट। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि जो पहले वैलिड था बट बाद में क्या कर दिया, लोगों ने मना किया। तो याद रखना ये डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, वॉइड अग्रीमेंट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे लोगों ने परमिशन दी ही नहीं, मना कर दिया, नहीं 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 करना, करना ही नहीं है ना, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, वॉइड अग्रीमेंट।
बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब कहलाएगा सर? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब कब बनता है? जब पहले वैलिड था बट बाद में मना किया गया, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ। ये कह रहा है सर एप्पल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट में होता है, लॉकडाउन हो गया होता, डिलीवरी नहीं होती, एप्पल खराब हो गए तो लो। विवेक बेटा ऑलवेज रिमेंबर जो आपने मुझसे अभी पूछा, दैट इज अ केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड में टॉपिक हमारे पास ट्रांसफर ऑफ रिस्क, उसमें टॉपिक आता हमारे पास में रिस्क कौन बियर करेगा, मतलब लॉस कौन बियर करेगा। तो याद रखना, जब तक हमारे पास में सेल नहीं पॉसिबल हुई, सामान डिलीवर नहीं हुआ, अमाउंट नहीं आया, ऑलवेज रिमेंबर सेलर विल बी हेल्ड लायबल नॉट बायर। एग्जैक्टली क्लियर है? और ऐसा हुआ था बेटा उस टाइम पर, प्रैक्टिकली हुआ है। डन गाइस, समझ में आ गया? तो ये यहां तक की डेफिनेशन तुम्हें किसी भी हाल में बेटा अपने दिमाग में दीवारों पर लिख दो, करके घर की दीवारों पर लिख देना। हाँ, खराब कर दो दीवारें कौन सी, पर ये डेफिनेशन तुम्हारी ध्यान रखना पूरे सिलेबस का बेस है मेरे भाई, पूरा सिलेबस का बेस है। इनको अगर तुमने स्किप कर दिया ना और क्लैरिटी लेके नहीं चले, आई कैन गारंटी यू लो समझ में उठने अच्छे तरीके से कभी तुम्हें आएगा ही नहीं, डैम श्योर। ठीक है, बट अगर तुमने सुन लिया इन दोनों पार्ट को तो गारंटी है कभी दिक्कत भी नहीं आएगी। आ गया हूं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन नॉर्मल सी है कौन सी है, पढ़ लो ध्यान से। वन इज प्लेंटिफ, अदर डिफेंडेंट। ये तुम्हारे मॉड्यूल में लिखी हुई नहीं, मैंने लिख रखी है यहां पे, लेकिन क्योंकि तो तुम्हारे काम की डेफिनेशन है। प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, याद रखना बेटा। प्लेंटिफ उस पर्सन को बोलते हैं बेटा जो केस फाइल करता है। अब एग्जांपल मान लो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के टाइम पर जिस पार्टी को नुकसान हुआ, सुनना, एक पार्टी को नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ कौन है, अग्रीड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर जो पार्टी केस फाइल करती है, ऑलवेज रिमेंबर, देश में जब कोई इंसान किसी पर केस फाइल करता है उस पर्सन को प्लेंटिफ कहते हैं, और जिस पे केस फाइल किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। बस तुम्हें इसमें इतना याद रखना खाली, प्लेंटिफ कौन, जो केस फाइल कर दे, डिफेंडेंट कौन, जिस पे केस फाइल किया गया होता है, रिमेंबर, याद रहेगी। तो ये थी तुम्हारी लीगल डेफिनेशन, तुम्हें इसके अलावा और लीगल डेफिनेशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यही है डेफिनेशन, और चेक कर लो अगर तुम्हें आइडिया ना हो तो, यही डेफिनेशन तुम्हारे अपकमिंग चैप्टर्स हैं। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑफर, उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस, फिर आएगा कंसिडरेशन, और तुम्हारे सभी चैप्टर की शुरुआत इन लीगल डेफिनेशन के साथ ही होती है। चेक कर लो जाके, तुम्हारे सभी चैप्टर की शुरुआत इन्हीं लीगल डेफिनेशन के साथ में होती है, याद रखना मेरे भाई। अब दिखा दूं जो पढ़ा तुमने, पढ़ना बेटा, इक्वेशन आया, क्वेश्चन आया, पढ़ाओ बताओ। ऑफर, अब रट्टा नहीं मारा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है भाई? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करते उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट का ही समझ में आया बोल। अब एग्जाम्पल मुझे बताओ, ये प्रॉमिस प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस तो ये हुआ भैया कि ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। तो तीन वर्ड क्या बने? अग्रीमेंट। एनफोर्स हो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ एनफोर्स नहीं हुआ तो, इफ इट इज नॉट एनफोर्सिएबल क्या बोलेंगे बताना? If a contract is not enforceable by law, उसे क्या बोलोगे? Agreement enforce नहीं हुआ तो void agreement, contract enforce नहीं हुआ तो void contract। बोलो clear हुआ? तो guys, this is the part specifically we can discussing about, और यहाँ पर बड़ा कार्ड खत्म होता है। Next session में हम लोग start करेंगे essential element of void contract, which means अच्छी बहू के। ये थी हमारी अच्छी बहू, अच्छी बहू। Law याद करना नहीं पड़ेगा, law याद करवा दूंगा मेरे भाई, guarantee मेरी है। दूसरा, अच्छी बहू के संस्कार, तो हम बात करेंगे उन सभी संस्कारों के बारे में जो अच्छी बहू में होने चाहिए। लो भाई, मयंक सर आए, वेलकम मयंक सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर, ये अच्छी बहू के संस्कार दे रहे हैं आप, ये शादी होने से पहले मेरे अगर आपने मुझे दिए होते तो आज मेरी कुछ जिंदगी अच्छी चल रही होती। बोलो, पब्लिकली बोल रहे हो आप। तो बच्चे लोग, ये सर जो सिखा रहे हैं अच्छी बहू के संस्कार, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शादी होने से पहले ये सारे संस्कार आप भी याद रखिएगा। माने जब भी कभी सीए बन जाएंगे या सीएमए बन जाएंगे तो उससे पहले ये संस्कार आपको सभी को याद होने चाहिए। और मैं आज आपके सामने अभी इसलिए आया हूँ, आपको याद दिलाने आया हूँ कि कल आपकी अकाउंट्स की क्लास है और साथ में है क्लास इको की, तो उसके लिए बिल्कुल भी देर मत करिएगा। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो रिजोल्यूशन बैच का जो जो थीम लेके आए हैं उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच सर। अरे मैथ्स वाली क्लास, अरे आओ, कहां जा रहे हो भैया, आओ तो सही, एक सेकंड। गाइस, मैथ्स वाली क्लास कैसी लग रही है? मैथ्स वाली क्लास अभी क्या चल रहा है सर? मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है अभी।
ठीक है, अभी कितना पार्ट इनका, अभी कितने क्लास में हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन? सर रेशियो प्रोपोर्शन में दो क्लासेस और लगेगी और उसके बाद ये दुनिया की किसी बुक से रेशियो प्रोपोर्शन करे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बात तो श्योरिटी है कि मयंक सर से पढ़ने के बाद मैथ्स में कभी तुम्हें दिक्कत आ ही नहीं सकती। जितने क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम जितना मानता हूँ जितने सारे क्वेश्चन मयंक सर अपनी क्लास में करवा देते हैं आई थिंक किसी की बुक में नहीं होते। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है सर आपके लिए। तो अभी क्लास मैथ ही परसों होगी। हाँ जी सर, कल अकाउंटिंग क्लास है 10 बजे और उसके बाद इकोनॉमिक्स क्लास होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्लास अपनी होनी ही पाई थी। सर अकाउंट्स हमारे बत्रा सर पढ़ा रहे हैं। बत्रा सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, मतलब खतरा खतरा। हाँ बिल्कुल सही कहा, बत्रा का मतलब होता है खतरा। तो आप लोगों को बस दोस्तों मैं यही नोटिफिकेशन देने आया हूँ, यही बताने आया हूँ कि कल अकाउंट्स और इको की क्लास है, उसे मिस मत करिएगा। मैं अपनी क्लास का प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं अकाउंट्स और इको के लिए बताने आया हूँ, क्योंकि फाउंडेशन के लिए चारों सब्जेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंट है। आपके लिए चारों सब्जेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को करने से आपका बेड़ा पार नहीं होगा। तो इसलिए चारों के चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से करिए। आपको हम बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट टीचर्स के द्वारा और बेस्ट टाइमिंग में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, आपके जितने फ्रेंड सर्कल है उन सबको बता दीजिए, जितने रिलेटिव्स है सबको ढिंडोरा पीट के बता दीजिए कि इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच मैं, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार से बोलते हैं, खुद दिल बागबान हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं कल अपना नेक्स्ट सेशन के अंदर, मैं मिलूंगा परसों, मैं से मैं मिलेंगे परसों। तो तब तक के लिए गाना गाएं, कौन सा? बाय बाय करते हैं, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और परसों मिलेंगे तेरे मेरे ने। बाय बेटा, बाय, टेक केयर।